साथियों, मेरा नाम है भावेश चिकारो और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है द नर्सिंग ऑर्बिट। ठीक है, आज की हमारी क्लास काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे जो हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र हैं उनके उपनाम। ये काफी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो अपकमिंग एग्जाम्स है जनवरी में या फरवरी में, उसमें काफी बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने काफी सारे एग्जाम्स देखे हैं पीछे वाले, जिनमें ये उपनाम हमेशा पूछ लिए जाते हैं कि ये उपनाम है तो ये कौन से जिले से संबंधित है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, उस बारे में पूछ लिया जाता है। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं सिटी ऑफ पार्क। सिटी ऑफ पार्क कौन सी है, या इसे हम कहते हैं धर्मनगरी। कौन सी है, कुरुक्षेत्र। अगर आपको इनके नाम पता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको कितने नाम पता है और इनके नाम बता सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कुरुक्षेत्र। सिटी ऑफ पार्क्स या धर्मनगरी काफी बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुरुक्षेत्र एक इंपॉर्टेंट एरिया है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ब्रॉन्ज सिटी। ब्रॉन्ज सिटी या वीरभूमि के नाम से काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वीरभूमि कहाँ है। ये है रेवाड़ी। कहाँ पे स्थित है, कौन सी, उसको कहते हैं वीरभूमि, रेवाड़ी को, या ब्रॉन्ज सिटी किसको कहते हैं, रेवाड़ी को। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हार्ट ऑफ हरियाणा। हार्ट ऑफ हरियाणा क्या है, काफी बच्चे सोच रहे होंगे हार्ट ऑफ हरियाणा रोहतक है, रोहतक वाले हरियाणा लिखते हैं, सोनीपत वाले सोनीपत लिखते हैं, लेकिन हार्ट ऑफ हरियाणा क्या है जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो जींद। कौन सा है, जींद। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हार्ट ऑफ हरियाणा, एग्जामिनर सोचता है कि बच्चों को उलझा दें और ये काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जींद। इसके बाद हम देखते हैं तालाबों एवं बावड़ियों का शहर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है काफी, तालाबों और बावड़ियों का शहर कौन सा है, हम कहेंगे इसको नारनौल। कौन सा है, नारनौल। इसके बाद अगर हम देखें हरियाणा का पैक्स, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है, हरियाणा का पैरिस किसे कहा जाता है, काफी सुंदर जगह है, यह है कर्ण की नगरी करनाल। क्या है, करनाल। इसके बाद हम देख लेते हैं साइबर सिटी या मनोरंजन सिटी। साइबर सिटी कौन सी है, या इसको कहते हैं मनोरंजन सिटी, काफी इंपोर्टेंट है, काफी विकसित है हरियाणा में, और ये है गुरुग्राम या गुड़गांव, फिलहाल नाम है गुरुग्राम, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, साइबर सिटी हम इसको देंगे। आगे देखते हैं कुछ और उपनाम है, पेपर सिटी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर सिटी किसे कहा जाता है, यमुनानगर। किसे कहा जाता है, यमुनानगर। इसके बाद इंपोर्टेंट है शुगर सिटी। शुगर सिटी किसे कहते हैं, ये टाई है और ये है पलवल, और दूसरा कौन है, गैस कर सकते हैं आप, ये है रोहतक। कौन सा है, पलवल और रोहतक। ठीक है, ये एजुकेशन हब भी माना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं बुनकर सिटी। बुनकर सिटी सिटी कौन सी है, ये पानीपत। कौन सी है, बुनकर सिटी, पानीपत। इसके बाद इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम से पूछा गया है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जामिनर की हमेशा जबान पे रहता है, ये कौन सा क्वेश्चन है कि नैनो सिटी को किसको कहा जाता है। नैनो सिटी कहा जाता है पंचकुला को। कहां, किसको कहा जाता है, पंचकुला को। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम देख लेते हैं सिटी ऑफ कॉटन। ठीक है, सिटी ऑफ कॉटन ये किसको कहा जाता है, ये है पलवल को। पलवल को ही कहा जाता है सिटी ऑफ कॉटन भी। ठीक है, अब इसके बाद आता है पिंक सिटी। ये पिंक सिटी जहां भी सुनते हैं सीधा बच्चों के दिमाग में जाता है जयपुर, और एग्जामिनर वहां पर इसको काट देगा। जो हरियाणा का पिंक सिटी है वो जयपुर नहीं है, इसको आसानी से हम याद कर सकते हैं, ये है फतेहाबाद। कहां है, फतेहाबाद। ठीक है,
अब हम देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण उपनाम। सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नेट सिटी या इसको हम कहते हैं स्टील सिटी। ठीक है, काफी बार पूछा जाता है पाइप जहां पे सबसे ज्यादा बनते हैं मैग्नेट सिटी या स्टील सिटी, ये है हिसार जो अभी 2019 में एलडीसी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, उसका आंसर है हिसार। ठीक है, इसके बाद हम पूछ लेता है कि मछुआरों का शहर, मछुआरों का स्वर्ग किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दिल्ली वालों के लिए खासकर, क्योंकि यहां से दिल्ली में बाढ़ आती है, हथिनीकुंड बैराज। ठीक है, ये है हथिनीकुंड। ठीक है, यहां से पानी छोड़ा जाता है हथिनीकुंड बैराज से और दिल्ली में हमेशा बाढ़ आ जाती है। ठीक है, और इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद हम देख लेते हैं भारत का क्यूबा कौन सा, क्या है क्यूबा, क्यूबा को कहा जाता है वॉल ऑफ शुगर। ठीक है, मतलब के शुगर का कटोरा क्यूबा। तो भारत का क्यूबा कौन सा है, और या हम कह सकते हैं मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है काफी, मंदिरों की नगरी या भारत का क्यूबा या हरियाणा की काशी। ठीक है, ये है भिवानी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला है विज्ञान नगरी या हम कहते हैं उपकरणों का शहर किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ये 2019 में एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया था, ये है अंबाला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है अंबाला सिटी। और इसके बाद आता है हमारा शहीदों का शहर कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हमारे जवान शहीद हो रहे हैं तो मैक्सिमम जो, इसलिए हम इसको कहते हैं शहीदों का शहर। तो ये कौन सा है, ये है झज्जर। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा ट्राई सिटी, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सीखना है। ठीक है, ये है पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये उपनाम याद हो गए होंगे, अगर आपको, और मैं आपका अपेक्षा करता हूं कि आपको बाई चांस इसमें काफी सारे शायद आते ही होंगे, अगर आपको ज्यादा भी आते हैं तो प्लीज आप इनको कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आपका स्कोर कितना रहा है, कि मैंने इतने सारे जो पढ़ाए हैं उनमें से आपको कौन कौन से आते थे, वो चीज आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट करना ना भूलिए, हमें बताइए कि हमारी कहां पे कमी है तो उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, या हम अच्छा पढ़ाते हैं आप उस चीज को भी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।